हेलो हाय प्रणाम प्रणाम कच्चा फूल लोग उम्मीद करनु सब भर होना ला और हमने एकदम ठीक ठाक छूते नहीं दिन नहीं सुबह जगह मैं हिंदू जैसे कि अभी दिन का बज गया है 12:30 और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन से। तो अभी मैं दिन का खाना बनाने की तैयारी में हूँ, मतलब मैंने रख दिए हैं चावल और आज मैंने सोचा है ना आप बनाऊँगी कड़ी चावल और झोली भात। तो हमारे यहाँ पर बोलते हैं उसको झोली भात और मैं उसमें डालूँगी सोयाबीन की बड़ी। सोयाबीन की बड़ी मैं इसलिए डाल रही हूँ ना, मेरे ऋतु को बहुत पसंद है तो फिर मैं इसमें डालूँगी सोयाबीन की बड़ी। तो मैं बना रही हूँ झोली भात, तो फिर आप देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने सोयाबीन की बड़ी भिगोई थी वो पूरी तरह से मतलब सॉफ्ट हो गई हैं, भीग चुकी हैं और मैं उनको अब ना छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काट लूँगी। इससे क्या होता है कि जो सोयाबीन की बड़ियाँ हैं न्यूट्रेला हैं ये अच्छे से भून जाएंगे और खाने में भी अच्छे लगते हैं छोटे छोटे से। तो इतना बड़ा सा मोमो चला जाएगा ना वो अच्छा लगता है मेरे को। तो हम इसे काट लेते हैं, ये देखिए पहले इसका पानी पूरा निचोड़ लेंगे हम, वो मैंने एक बार पहले निचोड़ लिया था तो दोबारा से थोड़ा बहुत पानी इसमें रह ही जाता है। तो उसको एक एक करके आप काटते भी जाइए और ऐसे ही निचोड़ते निचोड़ते मतलब काट सकते हैं हम उसको। और हम लोगों के यहाँ पे इसको बोलते हैं सोयाबीन की बड़ियाँ और शायद आप लोग न्यूट्रेला के नाम से जानते होंगे। तो ये हैं सोयाबीन की बड़ियाँ, प्याज लहसुन सब कुछ मेरा तैयार है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बेसन का पेस्ट भी तैयार करके रखा है। और अब मैं रखूँगी तेल और फिर मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर हो चुका है मेरा तेल गरम, तो मैं चेक कर लेती हूँ पहले तेल गरम हो चुका है तेल। अब मैं डाल दूँगी इसमें सोयाबीन की बड़ियाँ। अच्छे से भुनने देंगे, ठीक है, तब तक ये ब्राउन ब्राउन ना हो जाए इनको भुनने ही देंगे। अच्छे भुन रहे हैं, इनको ब्राउन होने देंगे उसके बाद से ही हम यहाँ पर लेके कराइए। इसको मैं अच्छे से पेस्ट लगा देती हूँ उस पर और बन जाएगा चावल। तो मेरे बन रहे हैं चावल, इसे कर देते हैं देखिए। और ये मेरा बन रहा है ये। दिन का तैयार होने वाला है, झोली बहुत अच्छे से पक चुकी है। अभी मैं इसमें दही डालूंगी क्योंकि जब भी अच्छे से इसका बेसन अच्छे से पक जाए मतलब अपना जो ये स्वाद होता है ना वो इसमें आ जाए तो मैं इसमें डाल दूंगी दही। और मैंने दही डाला है नहीं और मैं आपको दिखाऊंगा दही। हाँ इतना दही जमाती हूँ मैं
जैसे मैंने आपको बताया था ना, दो चार दिन का दूध इकट्ठा करके फिर मैं दही जमा लेती हूँ, तो इतना जमा लेती हूँ। मैंने कल शाम जमाया था ये, तो अभी दो चार दिन तक रहेगा और दूध वहाँ भी मैं स्टोर करके रखूँगी। फिर जाके इसमें मतलब जो दूध बचेगा फिर मैं उसको जमा दूंगी। ये मैं कहना चाहूँ, बन गई है मेरी खट्टी मीठी वाली झोली। ये देखिए, ये देखिए, बन चुकी है मेरी झोली। भात तो भी बिल्कुल तैयार है, झोली भात बन चुका है। और मैं काटने वाली हूँ खीरा, खीरे का बनाऊंगी सलाद, सलाद सलाद जो भी कहते हैं। काटने जा रही हूँ सलाद को। दो ककड़ी यहाँ पे मैं काटूंगी सलाद के लिए। एक तो मैं अभी उदलो आने आने तक खा दूंगी मैं। तो आते ना सलाद काटती हूँ मैं, काटते काटते एक ककड़ी तो मैं ही खा जाती हूँ। अब तो ये लोग स्कूल से आते हैं, अब तक मेरे को भी चाहिए होता है तो जुगाड़ तो देना था मैंने। तो आधा मैं इनके लिए काट देती हूँ, आधा मैं अपना खा लूँगी नमक लगा के। ये देखिए कट चुका है और इसको मैं खाऊंगी अब गपा गप गप्पू 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 गपा गप। ये देखिए अब मैं इसमें लगा दूंगी नमक। नींबू होता ना अभी तो बाजार वाले फिलिंग आ जाते। जीतते रहो। भाग के कहाँ, क्या है वहाँ? पापा रिमोट ले लेके करके है? पापा रिमोट ले लेके करके है? क्या देख रहा होगा यार गधू। यहाँ पे शाम के समय चाची लोग यहाँ पर भर रहे हैं भूसा, तो आप देख सकते हैं इतना भूसा इन्होंने ना ऐसे गज्जों में भर दिया। तो अभी थोड़ी देर में ट्रॉली मंगाएंगे, फिर इसको ट्रॉली में घर ले जाएंगे। ये गज्जे बनाए जाते हैं, जैसे धोतियाँ होती हैं कोई भी पुरानी, तो उनको सिलकर ऐसे बनाए जाते हैं। फिर इससे क्या होता है ना कि भूसा रखने में सुविधा होती है। फिर और ऐसे उनको भर दिया एक जगह पे, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी है वो मंगा लिया, फिर उसमें जाके ले जाएंगे। और इतना अब इनके पास गज्जे कम पड़ गए हैं, तो फिर ये ऐसे ही इकट्ठा करके शायद बाद में ले जाएंगे। वहाँ पर चाचा लगे हैं सारे भूसे को इकट्ठा करने में। ये देखिए शाम का समय है, वो बच्चे भी आए हैं, भूसा बने थक गए बेचारे बैठे हैं। अपनी अपनी जगह पे चाची लगी है यहाँ पर सूखे से। तो आज का ब्लॉग यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।